बैंक निफ्टी ओपन डेट फोर्टी फोर थाउज़ेंड फोर हंड्रेड एंड फोर हाई लगाया है फोर्टी फोर थाउज़ेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेल्व लो लगाया है फोर्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सिक्सटी वन एंड फाइनली क्लोज डेट फोर्टी थ्री थाउज़ेंड एट हंड्रेड एंड एटी एट एस फॉर द निफ्टी इट ओपन डेड नाइन्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी हाई लगाया है नाइन्टीन थाउज़ेंड एट हंड्रेड फोर्टी लो लगाया है 19,659 थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी नाइन एंड फाइनली क्लोज डेट 19,671 थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी वन वेलकम बैक टू द नाइन्टी परसेंट चैनल तो चलिए देखते हैं हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं एंड मार्केट कहाँ मूव कर सकता है बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ एंड एक मारू टाइप कैंडल चार्ट पे बनाई है यहाँ प्राइज एक्शन भी नेगेटिव हो गया है तो कल एक और फॉलो थ्रू मिलना चाहिए तो चलिए देखते हैं हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं जैसे कि कल के एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था यहाँ कहीं ओपन होने के बाद अगर ये लेवल को नीचे की साइड पे क्रॉस करता है तो पहला टारगेट यहाँ तक का हो सकता है एंड सेकंड टारगेट यहाँ तक का हो सकता है तो बैंक निफ्टी ने फोर्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड के नीचे क्लोजिंग दे दी है एंड प्रीवियस सपोर्ट लेवल के आसपास कहीं होल्ड कर रहा है तो कल अगर फ्लैट ओपन होने के बाद फोर्टी थ्री थाउजेंड एट फिफ्टी को नीचे की साइड पे क्रॉस करता है तो हमें एक और मूव देखने को मिल सकता है एंड हमारा टारगेट फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तक का रहेगा क्योंकि प्राइस ये लेवल के आसपास फोर्थ टाइम आया है तो कल अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो एक फॉलो थ्रू देखने को मिल सकता है अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तब भी हम सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे एंड हमारा टारगेट 43,500 तक का रहेगा यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो वॉलेटाइल टू साइडवेज हो सकता है एंड डेली चार्ट एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल सकती है चलिए निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं निफ्टी ने भी स्ट्रॉन्ग बैरिस कैंडल बनाई है डेली चार्ट पे। यहाँ कहीं ब्रेकआउट देने की ट्राई किया था लेकिन फेल हो गया तो नेक्स्ट डे शार्प सेलिंग देखने को मिली है कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं निफ्टी ने फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ कहीं सपोर्ट फाइंड किया उसके बाद इंटराडे का हाई भी ब्रेक किया एंड यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लेवल से सेलिंग का प्रेशर आया है एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आता है तो निफ्टी नेगेटिव हो सकता है एंड हमें बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं तो कल अगर फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होने के बाद नाइनटीन थाउजेंड सिक्स को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो एक और सेलिंग देखने को मिल सकती है अगर ऐसा होता है तो यहाँ एक एम पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा तो एक और मोमेंट आ सकती है तो हम यहाँ एंड यहाँ कॉल शॉर्ट करके रख सकते हैं क्योंकि यहाँ कहीं एक स्विंग है एंड कल एक्सपायरी भी है तो ये लेवल के आसपास से एक और बाउंस बैक देखने को मिल सकता है एंड यहाँ कहीं वॉलेटाइल हो सकता है तो कल अगर यहाँ कहीं वॉलेटाइल हो या फिर ये लेवल के नीचे निकल जाए दोनों ही केस में हमें एक प्रॉफिट हो सकता है यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो ये लेवल्स के बीच में वॉलेटाइल टू साइड हो सकता है एंड एक होल्डिंग कैंडल बना सकता है ऑल राइट ट्रेडर्स रैप अप, आवर डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो So give it a thumbs up, subscribe to the channel, and hit the notification bell. See you all in the next one. Happy trading!